Venga, Marco, a semifinale, Kelly! दिवाली के इस शुभ अवसर पर एक बार फिर से रहुआ सभी लोगों के बहुत बहुत स्वागत करता नहीं राहुल चहता प्रोग्राम में बिग मैम साहब सीजन 3 को स्पॉन्सर्ड बाय ब्रुकवन ताजा गोल्ड पावर्ड बाय डाबर दशमुला रिस्ट और हमने के एसोसिएट स्पॉन्सर बोरो प्लस। तो अभी अभी देखो प्रीति हम लोगों ने कितना अच्छा स्टार्ट किया, हम लोगों ने पटाखे भी जलाए, दिवाली की शुभकामनाएं भी दी, आप भी एक दूसरे को दो। लेकिन दिवाली में जो पटाखे फोड़ने का सिलसिला है ना वो थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि ये पर्यावरण जो है हमारा अपना घर है, इसे दूषित करना ठीक नहीं। बिल्कुल दिवाली में आप पटाखे नहीं फोड़ने वाली, मिठाइयां खिलाने वाली हैं। और वो मेम साहब क्या करने वाली हैं जो हमारे साथ आज फिनाले खेलने वाली हैं रांची शहर में, आइए उन्हीं से मिलते हैं और पूछते हैं और बधाई भी देते हैं फिनाले के लिए। बहुत सारी तालियां, बहुत सारा स्वागत मेम साहब मोमिता के लिए। उनके बाजू में है मेम साहब नीतू जी, उनके ठीक सामने रूबी जी, और उनके बाजू में नीलम सिन्हा जी। आप चारों लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। आप लोग दिवाली में क्या करती हैं? मैं तो सबसे पहले घर में पूजा करती हूँ, उसके बाद दिया और कैंडल जलाती हूँ और पड़ोसी लोग के मिठाई बांटती हूँ। आप बताएं मैम। दिवाली के कुछ दिनों पहले से पहले तो दिवाली की सफाइयाँ शुरू करते हैं हम जी। लक्ष्मी जी। माता का स्वागत करते हैं अपने घर पर, उनकी पूजा करते हैं। बट मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है, तो थोड़े बहुत फोड़ लेती हूँ, देख कर मजा ले लेती हूँ और खूब मिठाइयाँ खाती हूँ। चले इसी तरह से क्या करते हैं आपने तो बताया नहीं। अरे मैं भी यही करता हूँ, सभी यही करते हैं प्रीति। सब लोग जो है एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा हो ये कामना करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों की जो एक कामना है कि आज के एपिसोड में आप विनर हो, ये कामना गणेश भगवान पूरी करें आप लोगों की, मैं ये प्रार्थना करता हूँ और माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहे। आइए गेम को स्टार्ट करते हैं प्रीति, पहला राउंड खेलते हैं और राउंड है मेम साहब मैजिक। तो मेम साहब मैजिक में आप लोगों ने करना क्या है ये बताएंगी प्रीति। बहुत सिंपल रूल्स हैं, आपका जो बेस्ट टैलेंट है सिंगिंग डांसिंग या फिर पोइट्री या जो भी है, तो जो आपको सबसे अच्छा आता है वाकई कर दीजिए बस, ठीक है। और 10 अंक तक हम आपको देंगे। तो सबसे पहले बुलाते हैं हम मोमिता जी को, उन्होंने खुद ही अपना नाम लिया। तो रेडी है ना आप? तो आज ही आप ही को बुला लेते हैं। दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने आपको इनके परफॉर्मेंस से पहले ये नहीं बताया कि अगर आप दिल के रोगी हैं तो इनकी परफॉर्मेंस ना देखें वरना आपका हार्ट फेल हो सकता है। नंबर हमने आपको क्या दिया है ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में। और अब मैजिक दिखाने के लिए तैयार हमारे बाएं तरफ से नीलम जी, हम आपको सुनना चाहेंगे। फूलों के घेरे हैं साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं, ऐसी नजारों में खिलती बहारों में क्यों ना हम गुनगुनाएं। आया है मौसम कितना सुहाना, गाने बजाने का मस्ती लुटाने का, आओ खुशियाँ मनाएं। फूलों के घेरे हैं साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं,
ऐसी नजारों में खिलती रहे। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो घरों में होती हैं जिनकी बहू आ जाती है वो अपने आप को रिटायर मान लेती हैं और रिटायरमेंट का प्लान करते ही अपने आप बुढ़ापा का चादर उन पर चढ़ जाता है। यहाँ देखें कितने उत्साह और कितने उमंग के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया और कितना बेहतरीन गीत गाया। इसलिए कहते हैं कि टैलेंट को किसी भी उम्र में दिखा सकते हैं और टैलेंट को बचा के रखना चाहिए और टैलेंट को दिखाते रहना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। मैम आपने शो में आके हमारे शो की शोभा बढ़ाई है और फिनाले तक आप पहुंची, आप निश्चित रूप से डिजर्व करती हैं और बहुत सारी तालियां हम आपके लिए बजाते हैं। मेम साहब मैजिक में बढ़ते हैं आगे और प्रीति आप बताएं ना किसको बुलाएं हम, कौन सी मेम साहब होंगी हमारी। हमने एक गाना सुनाया तो मैं सोचती हूँ कि एक डांस परफॉर्मेंस हो जाए, तो फिर बुलाते हैं रूबी जी आपको। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कारों, साल दो साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कारों। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो किया आपने। और मैं फिर से अपने दर्शकों से माफी मांगना चाहता हूं कि अगर ये परफॉर्मेंस देख के आपकी बीपी बढ़ गई हो या फिर डायबिटीज बढ़ गई हो, मैं आपको बता नहीं पाया, चेतावनी नहीं दे पाया, माफी चाहता हूं। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी बधाइयां। इस राउंड में आखिरी परफॉर्मेंस के लिए आ रही है नीतू जी आप। कान्हा तो मुरली की मधुर सुना तो तान, मैं हूं तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूं तेरी प्रेम दीवानी, अब मुझको पहचान, मधुर सुना दो तान। जिस दिन से मैंने ये तुम संग नैना जोड़ लिए, क्या बाबुल क्या मैया मैंने रिश्ते तोड़ लिए, तेरे दर से को तरस गई ये, तेरे दर से को तरस गई ये, कब से मेरे प्राण मधुर सुना दो तान। तो अब ये राउंड, पहला राउंड समाप्त होता है और चूंकि हम सिटी फिनाले खेल रहे हैं रांची में, तो नंबर हम बताएंगे नहीं, बढ़ते हैं आगे सीधा छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। आप प्लीज कहीं मत जाइए। जल्दी करें, जल्दी फट, दो दिए जलाएं आप पहले, तो बाकी काम छोड़े, 5 सेकंड है सिर्फ आपके पास।